जो पानी आज हम अपने घरों का नलों का पानी जो भर के लाए हैं और केजरीवाल उसको पी करके दिखाए। आज 45 डिग्री तापमान में इतनी महिलाएं अपने बच्चों के लिए साफ पानी लेने आई। नमस्कार, मैं सुषमा तेजी और आप देख रहे हैं नजर टूटी। आज हम खड़े हैं आईडीओ पर। यहाँ एक विशाल प्रदर्शन हो रहा है जहाँ पर सांसद प्रवेश वर्मा द्वारा गंदे पानी को लेकर, वो गंदा पानी जो जनता को पिलाया जा रहा है, सीवर से पानी जाता है जिससे जनता बीमार हो रही है, उसको लेकर बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर। आइए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी, जरा आपको यहाँ के विजुअल दिखाएंगे। एक भारी प्रदर्शन है यहाँ पर, बहुत लोग इकट्ठे, इतनी चिलचिलाती धूप में यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं इस प्रदर्शन को लेकर। पानी की समस्या है, गर्मी में सबसे ज़्यादा पानी की समस्या होती है और पानी के बिना कहा जाता है कि जीवन अधूरा होता है, इसलिए यहाँ पानी की समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ प्रदर्शन किया है। पीने का पानी 200-200 रुपए की एक बिसलेरी की बोतल लेके पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। 15-15 दिन तक जब क्षेत्र में इस 45 डिग्री के टेम्परेचर में जब पानी नहीं आएगा तो क्षेत्र का क्या हाल हो सकता है, लोगों का क्या हाल हो सकता है, हम अच्छे से समझ सकते हैं। और इसी संदर्भ में हमने अपने सांसद प्रवेश वर्मा जी को ये सब सारी चीज़ें प्रवेश वर्मा जी के सामने हमने अपनी शिकायत को रखा, लोगों की समस्या को रखा, तो हमारे सांसद जी ने बिना कुछ सोचे हुए ऐलान कर दिया कि हम सचिवालय के ऊपर जा कर के केजरीवाल सरकार के खिलाफ हम पानी की समस्या को लेकर के धरना करेंगे और उनको देंगे, या तो दिल्ली की जनता को पानी समझिए और नहीं तो जो पानी आज हम अपने घरों का नलों का पानी जो भर के लाए हैं और केजरीवाल उसको पी करके दिखाए, आज हम ये चेतावनी देने के लिए आज सचिवालय पर धरना देने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था पानी को लेकर, वो सचिवालय तक पहुंच चुका है, पूरा हजूम है। इतनी गर्मी में बच्चे से लेकर बूढ़े तक यहाँ पहुँच चुके हैं पानी को लेकर प्रदर्शन करने के लिए। इधर देखिए, यहाँ पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, पूरे बैरिकेड लगाए गए हैं जिससे कि सचिवालय तक कोई ना पहुँच पाए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि पूरा हजूम आप उसको दिखाएं, यहाँ मीडिया को लेकर सब यहाँ इकट्ठा है, कोई पूरी मीडिया यहाँ एकत्रित हो रखी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, बूढ़े बच्चे सब यहाँ मौजूद हैं, बच्चे देखिए, छोटे छोटे बच्चे यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से शोर मचा हुआ है, ये बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और देखिए भाजपा के कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ के, जिसमें के प्रवेश सांसद प्रवेश वर्मा भी आगे निकल गए। जो महिलाएं गंदा पानी पीने को मजबूर मजबूर है, टैंकर से खरीदने को मजबूर है, टैंकर के पीछे लड़ाइयाँ हो रही हैं, टैंकरों की संख्या बढ़ गई है। आज 45 डिग्री तापमान में इतनी महिलाएं अपने बच्चों के लिए साफ पानी लेने आई हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक। हाँ, क्योंकि सभी को परेशानी है, महिलाओं को सबसे ज़्यादा झेलनी पड़ती है, इसलिए महिलाएं इतनी संख्या में आई हैं, मटके लेके आई अपने घर से। हमारी तो पूरी लोकसभा ही वर्ष पार्टी है, हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा है, आप लोग हरियाणा की सरकार को क्यों नहीं बोल रहे हैं? सौरभ भारद्वाज, देखिए सभी सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे आतिश, मैं सबको कहना चाहता हूँ आप आइए मेरी लोकसभा में, आपको आमंत्रण है। और आप वो पानी को पी के दिखाइए, आप नहीं पी सकते, आप बीमार हो जाएंगे। लेकिन दिल्ली सरकार कहती है कि पानी उनकी सक्सेस स्टोरी है। सड़कों पे आने के लिए एक माँ हमेशा मजबूर रहती है, जब साफ पानी नहीं आएगा अपने बच्चों को परेशान देखेंगे या घर की समस्या, खाना कैसे बनाएंगे ये बताइए, बच्चों को पानी साफ कहाँ से देंगे? हमारे बच्चों को पेट दर्द हो रहा है ये पानी पी के, अब बताओ ये कोई पानी पीने का है? अब पैसों से पानी कब तक खरीदा जाएगा? पैसों से पानी खरीद के बच्चों को दिया जा रहा है, सभी बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है बार बार गंदा पानी से। केजरीवाल जी, हमें दारू की जरूरत नहीं है, हमें साफ पानी की जरूरत है, जल ही जीवन है ये तो सबको पता है। तो फिर केजरीवाल जी से ये रिक्वेस्ट है कि हमें बोतल के साथ बोतल फ्री नहीं चाहिए, हमें पानी ही दे दो, और घर की जरूरत पानी है, दारू नहीं। आप दारू से पैसों की जरूरत आपकी पूरी होती होगी, लेकिन एक परिवार की जरूरत है तो पानी से ही पूरी होगी, तो पानी चाहिए और वो भी स्वच्छ।